जहाँ तक सजाद अब्बासी को हम इनकी मेहनत देखते हैं ग्राउंड्स में, ऑफ द ग्राउंड्स, ऑन द ग्राउंड्स। सजाद अब्बासी, सबसे पहले आप बताइए कि आप इस टूर्नामेंट के बारे में बताइए, क्या आइडिया था, किस तरह से एक आइडिया आप लेके आए हैं और आज क्या फीलिंग्स है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट यासर भाई और तमाम क्राउड्स का, हमारे गेस्ट हैं माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं सबका, वक्तन वक्तन मैं नाम भी लूँगा। नवीद भाई बैठे हुए हैं हमारे चीफ गेस्ट आज के, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए। कदीर भाई हैं उसके साथ, खावर लतीफ़ भाई हैं और उसके साथ साथ फाद असद भाई हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। और हमारे पास तारिक चौधरी साहब हैं जनाब, उसके साथ इरफान सरवान साहब हैं, माहिदा खानम हैं, इस्माइल हैं मेरे दोस्त हैं, बदर भाई हैं, यस्मीन कंवल मकबूल साहब हैं जी, और शेख आतिफ राशिद, अमजद बंगे शाह के साथ अजीज़ुल्लाह और हाफिज अब्दुलरऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सब आपका। सारी टीम हुई हो, स्पॉन्सर के बगैर पॉसिबल नहीं है, एज़ यू नो वेरी वेल कि क्रिकेट जो है ना स्पॉन्सर के बगैर इम्पॉसिबल है। सेम यही हमारे भी हमारे साथ भी लोग सपोर्ट करते हैं और उसके साथ इस दफ़ा हमारे पास जो सपोर्ट किया था वो इसलिए इवेंट में ऐसे टाइटल स्पॉन्सर थे, वो थे थम्मा पानी लाइन, बेसिकली इनकी एक श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, उनकी एक टीम भी जीत गई मिस्टर थेमो, इन्होंने मुझे दो टूर्नामेंट में स्पॉन्सर किया और थर्ड टूर्नामेंट जो है 25 से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए भी स्पॉन्सर किया। थैंक्स अ लॉट मिस्टर थेमो कि आप जो है ना हमारे साथ सपोर्ट करते हैं हमेशा। उसके साथ साथ हमारे पास लक्ष्मी में कार्गो, और मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे पास श्रीलंका के बिलोंग करने तीन स्पॉन्सर हैं जो मेरे साथ बैक टू बैक जो है ना थर्ड टूर्नामेंट में मेरे पास स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि जो आप लोग हमें प्यार मोहब्बत देते हो, मेरे पास आके बैठते हो इस तरह के, तो इसी चीज़ को देखते हुए मुझे स्पॉन्सरशिप हो बगैर किसी ईलो उजत के मुझे कर देते हैं। वेरी मच कि आप मुझे जो है स्पॉन्सर करते हैं और एक जो भी मेरा थी मैच और बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और बेस्ट फील्डर होता है उसको ये अपना जो है वो बैट और बैग और इस तरह की चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सब स्पॉन्सर का, आप सब यहाँ पे हमारे मेहमान आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सुपरफिक्स आजकल मार्केट में इतना मशहूर है कि हर बंदा जानता है सुपरफिक्स क्या कर रहा है, क्योंकि ये ख़ुद भी कह चुके हैं कि सुपरफिक्स इतना मशहूर हो चुका है कि बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे साथ हैं नवीद अनवर साहब, तो हम इनसे गुफ्तगू करते हैं आज के इवेंट के हवाले से। जी वेलकम टू हकाइक म्यूज़िक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच अब्दुलरऊफ साहब और आप हमारे जो सजाद भाई हैं सजाद अब्बासी साहब, थैंक यू आपने मुझे इन्वाइट किया यहाँ पे। माशाल्लाह आपने जो क्राउड लेके आए और ये जो जलमी डायमंड जो इवेंट कर रहा है क्रिकेट का, इट्स रियली अमेजिंग एक्चुअली। इसमें श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमें जो प्ले कर रही हैं रोल, इट्स लुक्स लाइक इंटरनेशनल प्ले हो रही है। तो माशाल्लाह मैं फिर भी मुबारकबाद देता हूँ सजाद अब्बासी साहब को और जितने भी इसकी टीम है इसमें इन्वॉल्व हैं कि इतने वंडरफुल इवेंट्स उन्होंने अरेंज किया, बहुत सारा क्राउड है ग्राउंड में। और फिर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे मीडिया का, जितना भी मीडिया कवरेज है यहाँ पे, जैसे हकाइक न्यूज़ है, वेरी मच फॉर इन्विटेशन और इंशाल्लाह इट विल बी सक्सेसफुल। खावर लतीफ़ हैं जो कि बिजनेस मैन है यहाँ पे यूएई के अंदर, और इनका बिजनेस भी स्पोर्ट्स के हवाले से ही है और ये स्पोर्ट्स को ही सपोर्ट करने आए हुए हैं, और इनसे भी बात करते हैं। जी क्या कहेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से आज के इवेंट? अस्सलाम वालेकुम जी। डेफिनेटली जी देख रहे हैं कि माशाल्लाह कंटिन्यूसली जो है क्रिकेट वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है इस कंट्री में। अब अजमान में जब देखें माशाल्लाह हर रोज़ रात को कोई ना कोई माशाल्लाह एक अच्छे से अच्छा इवेंट देखने को मिलता है, और जालमी वालों ने तो माशाल्लाह इस इवेंट को एक से सवा महीना चलाया है, विच इज़ समथिंग वेरी बिग। और साथ में मीडिया जो कवरेज दे रहा है इनको, इनकी सपोर्ट इस तरीके से चल रही है कि लग रहा है कि माशाल्लाह और अच्छी क्रिकेट जो है आगे देखने को मिलेगी। और इतना ज़्यादा क्राउड इकट्ठा करना और इस तरीके से मैनेज करना, ये बहुत खुशाइंद बात है हमारी जो आगे जो जनरेशन जो आ रही है जो क्रिकेट को सपोर्ट करना चाह रहे हैं या जो खेलना चाह रहे हैं, जिनको मौके नहीं मिलते उनके लिए ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है। तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, अच्छा लग रहा है देखने। सर अफान मौजूद हैं जो इस मैच की रौनक हैं, और इन्होंने इस मैच में आके ये साबित किया है कि ये कम्युनिटी के अंदर और क्रिकेट में कितनी दिलचस्पी रखते हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं आज के मैच के हवाले। इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करने की मेरे पास बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें एक सबसे बड़ी वजूहात है वो है पाकिस्तान। जहाँ से माशाल्लाह सजाद अब्बासी और उनकी जो पूरी टीम जो है उन्होंने इस जलमी क्रिकेट का जब बेड़ा संभाला,
और उसके बाद किस तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स लेके ये आज माशाल्लाह इस मकाम पे पहुँचे हैं कि अब एक रिनाउंड एक कंट्री की टीम जो है वो एक पाकिस्तान की टीम के साथ मुकाबला कर रही है, ये बड़ी खुशाइन बात है। और मैं समझता हूँ कि ये जिस तरीके से इन्होंने इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने का जो बेड़ा उठाया है, जितने एहसन अंदाज से और इसमें बेहतरी लेकर आएंगे, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब आपको ये हमारे जितने भी यूएई के जो ग्राउंड्स हैं उनमें नज़र आएंगे अपने इवेंट्स करवाते हुए। तो एज़ अ पाकिस्तानी, हिम बीइंग अ पाकिस्तानी, ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और साथ ही साथ एक मैं जो देख रहा हूँ एक माहौल बड़ा अच्छा बना हुआ है, एक ये स्पोर्ट बड़े एक अच्छे स्पिरिट के साथ खेला जा रहा है और ये बड़ी खुशाइन बात है। और साथ ही साथ लास्ट नॉट द लीस्ट वो है प्रोफेशनलिज्म। वो प्रोफेशनलिज्म अगर आप किसी भी चीज़ में किसी भी काम में जब आप डाल देते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट बड़ा फ्रूटफुल होता है। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सजाद अब्बासी और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने ये सारे चीज़ों को बहुत प्रोफेशनली हैंडल किया। एंड आई एम कंग्रेचुलेटिंग हिम अलॉन्ग विद लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फ्यूचर एंडीवर्स इंशाल्लाह। ज़ल्मी डायमंड क्रिकेट लीग के फाइनल में मौजूद है जहाँ पे बड़े ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र सज्जाद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा नाम है और अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज़र और प्लेयर। सबसे पहले बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब और कायक न्यूज़ का, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे कीमती वक्त टाइम निकाल के आज ज़ल्मी डायमंड क्रिकेट लीग के फाइनल में आए। और एक्चुअली यहाँ पे टोटल 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और ये लीग सिस्टम की बुनियाद पे ये टूर्नामेंट खेला गया और पिछले एक माह से ये टूर्नामेंट जारी था और आज इसका फाइनल यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे थम्मा पानी लैंड जो श्रीलंका से बेसिकली बिलोंग करती है टीम उनकी है, और दूसरी तरफ 7 डिस्ट्रिक्ट जिसके ऑनर पाकिस्तानी है, तो बड़ा अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट हो रहा है और ज़बरदस्त फाइनल यहाँ पे कांटेदार आपको देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक जो टूर्नामेंट हुआ उसमें सबसे खास बात यह कि आप आज जो है कम्यूनिटी ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने बहुत कसीर तादाद में शिरकत की है और मेरे जो टूर्नामेंट है उसको 4 चांद ले गए। उसके साथ साथ बड़ा जो है मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे टिकटॉक स्टार भी आए, उसके साथ साथ और कम्युनिटी के लोग भी आए जिन्होंने अप्रिशिएट भी किया और इस इवेंट को जो है ना वो कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। और आप सब आपका वंस अगेन बहुत शुक्रिया। ये तो क्रिकेट का माहौल है इस वक्त और एशिया कप जैसे ही फिनिश हुआ है लोगों के दिलों में लोगों के दिमाग में वही क्रिकेट चल रही है। तो इसमें ये खास बात है कि इसमें जो तमाम जैसे ही एशिया कप का फाइनल हुआ उसके नेक्स्ट वीकेंड पे मेरा फाइनल है तो और टीम भी श्रीलंका है और जैसे पाकिस्तान है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैच हो रही हैं और मैच भी उसी तरह फंसा हुआ जिस तरह पाकिस्तान और श्रीलंका का फंसा हुआ था इसी तरह भी हो रहा है। तो ये चीज़ें खास चीज़ ये है कि क्रिकेट का माहौल है, ऊपर से वर्ल्ड कप आने वाला है और हर किसी के दिमाग में एशियन में खासकर चाहे श्रीलंका बांग्लादेश पाकिस्तान हो तो उनके दिमाग में क्रिकेट ही बसी होती है। तो उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये टूर्नामेंट मेरा काफ़ी सक्सेसफुल भी है, उसके साथ साथ यहाँ पर लोग काफ़ी इंटरेस्ट भी रखते हैं। एक बड़ा अजीम नाम यूएई में बड़ा मशहूर जो कि बहुत ही कम अरसे में इन्होंने बड़ा नाम पैदा किया एक्टिंग में, प्रोडक्शन में और सिंगिंग में, द वन एंड ओनली अजीम डार हमारे साथ हैं आज इवेंट की चीफ गेस्ट हैं इस इवेंट के। आइए इनसे गुफ्तगु करते हैं और जानते हैं जो ज़ल्मी स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है उसमें आज हम यहाँ मौजूद हैं। वेलकम टू हकाइक न्यूज़। बचपन से जिस तरह से मेरी ताया ने काम किया शोबे से मेरी बड़ी कनेक्टिविटी है और पहले मैं आर्टिस्टों के साथ काम करता था, सेलेब्रिटीज़ के साथ काम करता था, फिर मैंने कहा जो नए उभरते हुए सितारे हैं जैसे टिकटॉकर्स हैं इसके अलावा जो न्यू टैलेंट है उसको कोई सपोर्ट नहीं करता, तो उसको सपोर्ट करने के लिए मेरे काफ़ी सारे मैंने जो नेक्स्ट आगे मेरे सॉन्ग आ रहे हैं उसके अंदर नए चेहरे आपको मिले देखेंगे। और जिस तरह से कम्युनिटी की बात है, जिस तरह से कम्युनिटी की सपोर्ट की बात है तो मेरा हमेशा एक ही मैसेज होता है कि आप यूएई के अंदर रह रहे हैं तो यूएई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे 208 नेशनलिटीज़ आपको मिलेंगी। जिस तरह से ये लोग मिलके रहते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम लोग एक दूसरों के साथ मिलके रहें, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो। आज मैं ये ज़ुल्मी इवेंट्स का जो इन्होंने मैच अरेंज किया है इसके लिए आया हूँ और बड़ा अच्छा मुझे लगा जिस तरह से इनकी टाइज़ अप्स हैं श्रीलंकन टीम के साथ और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं इवेंट्स के ऊपर इवेंट्स, और पाकिस्तान माशाल्लाह आपको हर जगह पे नज़र आएगा। तो पीस का मैसेज है सबके लिए, कम्युनिटी के साथ मिलके काम करें, ऐसा काम करें कि कम्युनिटी से आपकी ज़्यादा से कम्युनिटी को फ़ायदा हो। जो भी तरक्की आज मेरी आप देख रहे हैं इसके लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा आप सब लोगों को कि डोंट टू अर्थ रहें, अल्लाह ताला से दुआ करें और कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी को नुकसान ना हो, आपकी ज़ात से लोगों का भला हो, आपका भला ऑटोमेटिकली होना शुरू हो। अजीम डार हमारे साथ है जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि प्यार बांटें और प्यार समेटें।
तो मोहब्बत की जो है वो कोई सरहद नहीं होती है, कोई उसकी बाउंड्री नहीं होती है। तो इसलिए हमें इस मोहब्बत को दुनिया में फैलाना है और अपने मुल्क का नाम ऊंचा करना है, रोशन करना है। सभी सवासियों,